आज की हमारी कहानी है ससुराल के रीति। एक लड़की विवाह करके ससुराल में आई। घर में एक तो उसका पति था, एक सास थी और एक दादी सास थी। वहां आकर उस लड़की ने देखा कि दादी सास का बड़ा अपमान तिरस्कार हो रहा है। छोटी सास उसको ठोकर मार देती है, गाली दे देती है। यह देखकर उस लड़की को बड़ा बुरा लगा और दया भी आई। उसने विचार किया कि अगर मैं सास से कहूं कि आप अपनी सास का तिरस्कार मत किया करो, वह कहेंगी कि कल की छोकरी आकर मेरे को उपदेश देती है, गुरु बनती है। अतः उसने अपनी सास से कुछ नहीं कहा। उसने एक उपाय सोचा। वह रोज काम धंधा करके दादी सास के पास जाकर बैठ जाती है और उसके पैर दबाती है। जब वह वहां ज्यादा बैठने लगी तो यह सास को सुहाया नहीं। एक दिन सास ने उससे पूछा कि बहू वहां क्यों बैठी। लड़की ने कहा कि बोलो काम बताओ। सास बोले कि काम क्या बताएं, तो वहां क्यों जा बैठी। लड़की बोली कि मेरे पिताजी ने कहा था जवान लड़कों के साथ तो कभी बैठना ही नहीं, जवान लड़कियों के साथ भी कभी कभी मत बैठना। जो घर के बड़े बूढ़े हो उसके पास बैठना, उनसे शिक्षा लेना। हमारे घर में सबसे बूढ़े यही हैं, और किसके पास बैठूं। मेरे पिताजी ने कहा था कि हमारे घर की रिवाज नहीं चलेगी, वहां तो तेरे ससुराल की रिवाज चलेगी। मेरे यहाँ की रिवाज सीखनी है, इसलिए मैं उनसे पूछती हूँ कि मेरी सास आपकी सेवा कैसे करती है। सास ने पूछा कि बुढ़िया ने क्या कहा। वह बोली कि दादी जी कहती हैं कि यह मेरे को ठोकर नहीं मारे, गाली नहीं दे, तो मैं सेवा ही मान लूं। सास बोली कि क्या तू भी ऐसा ही करेगी। वह बोली कि मैं ऐसा कहती हूँ, ऐसा नहीं कहती हूँ, मेरे पिताजी ने कहा है बड़ों से ससुराल की रीति सीखना। सास डरने लग गई कि मैं अपनी सास के साथ जो बर्ताव करूंगी वही बर्ताव मेरे साथ होने लग जाएगा। एक जगह कोने में ठीकरी इकट्ठी पड़ी थी। सास ने पूछा, बहू यह ठीकरी क्यों क्यों इकट्ठी की है। लड़की ने कहा, आप दादाजी को ठीकरी में भोजन दिया करती हो, इसलिए मैंने पहले ही जमा कर ली। तुम मेरे को ठीकरी में भोजन कराएगी क्या? मेरा पिताजी ने कहा है कि तेरे वहां रीति चलेगी, यह रीति थोड़े ही है। तो आप फिर आप ठीकरी मैं क्यों देती हो? थाली कौन मांजे, थाली को मैं मांज दूंगी। तो तू थाली में दिया कर, ठीकरी उठाकर बाहर फेंक। अब बूढ़ी माँझी को थाली में भोजन मिलने लगा। सबको भोजन देने के बाद जो बाकी बचे वह खिचड़ी की खुरचन कंकड़ वाली दाल माँझी को दे दी जाती है। लड़की उसको हाथ मिलाकर देखने लगी। सास ने पूछा, बहू क्या देखती हो? मैं देखती हूँ कि बड़ों को भोजन कैसे दिया जाए, ऐसा भोजन देने की कोई रीति थोड़े ही है। तो फिर आप ऐसा भोजन क्यों देती हो? पहले भोजन कौन दे? आप आ गया तो दो, मैं दे दूंगी, तो तू पहले भोजन दे दिया कर, अच्छी बात है। अब बूढ़ी माँ जी को बढ़िया भोजन मिलने लगा। रसोई बनते ही वह लड़की ताजी खिड़की खिचड़ी ताजा फुलका दाल साग लेकर माँ जी को दे देती है। माँ जी तो मन ही मन आशीर्वाद देने लगी। माँ जी दिन भर एक खटिया पड़ी रहती हैं। खटिया टूटी हुई थी, उसमें से बंधनवार की तरह मूंज नीचे लटकी थी। लड़की उस खटिया को देख रही थी। सास बोली कि क्या देखती हो? देखती हूँ कि बड़ों को खाट कैसे दी जाए, ऐसी खाट थोड़े ही दी जाती है, या तो टूट जाने से ऐसी हो गई, तो दूसरी क्यों नहीं बिछाती? तू बिछा दे दूसरी, आप आ गया दो तो मैं दूसरी खाट बिछा दूं। अब माँ जी के लिए निवार की खाट लाकर बिछा दी गई। एक दिन कपड़े धोते समय वह लड़की माँ जी के कपड़े देखने लगी। कपड़े छन्नी हो गए थे। सास ने पूछा, क्या देखती हो? देखती हूँ कि बुढ़ों को कपड़ा कैसे दिया जाए। फिर वही बात, कपड़ा ऐसा थोड़े दिया जाता है, या तो पुराना होने पर ऐसा हो जाता है। फिर वही कपड़ा रहने दे क्या? तू बदल दे। अब लड़के ने माँ जी का कपड़ा चादर बिछौना आदि सब बदल दिया। उसकी चतुराई से बूढ़ी माँ जी का जीवन सुधर गया। अगर वह लड़की सास को कोरा उपदेश देती तो क्या वह उसकी बात मान लेती?
बातों का असर नहीं पड़ता, आचरण का असर पड़ता है। इसलिए लड़कियों को चाहिए कि ऐसी बुद्धिमानी से सेवा करें और सबको राजी करें। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।